हेलो, मैं हूँ नेहा और आपका स्वागत है नेहाज किचन में। वैसे आज मैं किचन में नहीं हूँ, आज हम बाहर बोटिंग करने आए हैं क्योंकि लंदन में इस वक्त बहुत जबरदस्त गर्मी पड़ रही है। तो आज यहाँ बहुत थक गए हैं और सोच रही हूँ मैं घर जाकर एक कुछ लाजवाब सब्जी बनाती हूँ। तो आज मैं बनाने वाली हूँ मलाई कोफ्ता। जैसे ये नाम से ही पता चलता है कि ये कोफ्ते बहुत ही नरम होते हैं, मलाई के जैसे, खाते ही मुंह में घुल जाते हैं और बड़े ही टेस्टी होते हैं। तो चलिए आज देखते हैं इसकी क्विक रेसिपी। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और कमेंट करके और लाइक करके मुझे जरूर बताएं कि आपको ये सब्जी कैसी लगी। मलाई कोफ्ते के लिए ले लें आप एक कटोरी उबला हुआ आलू। याद रखिएगा कि आलू में पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर आलू में पानी है तो आप उसे थोड़ी देर फ्रीज में रख दें ताकि उसमें से पूरा पानी सूख जाए। और उतने ही क्वांटिटी में लिया है मैंने एक कटोरी किसा हुआ पनीर। पनीर में भी सेम पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और 2 इंच टुकड़ा अदरक का आप फाइन चॉप करके इसमें डाल दें और 2 से 3 हरी मिर्च, आपको जितना तीखा पसंद है उस हिसाब से डाल दें। और इसमें मैंने लिया है 1 हैंडफुल कटा हुआ हरा धनिया और अपने स्वाद के अनुसार आप उसमें नमक डाल दें और ये सब चीज़ों को आप अच्छे से मिक्स कर लें। उसके बाद मैंने डाला है इसमें कॉर्नफ्लोर का आटा, 5 से 6 चम्मच मुझे लगा है इसमें डालने के लिए। अगर लगे तो आप 1 से 2 चम्मच एक्स्ट्रा भी इसमें डाल सकते हैं। और फिर आप अपने दोनों हाथों में थोड़ा सा तेल लगा लें और जितना हम रोटी के लिए आटा लेते हैं उतना ही मैंने इसे लिया है और दोनों हाथों से प्रेस करके बीच में आप ड्राई फ्रूट्स डाल दें। मैंने इसमें काजू और चिरौंजी डाला है, आपकी ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है, पर अगर आप इसे डालेंगे तो इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है सब्जी में। और इसे अच्छे से कवर करके मैंने पेड़े का शेप बना लिया है। आप जो चाहे जैसा शेप चाहते हैं आप वैसा शेप भी बना सकते हैं। और सारे जब बन जाए आप इसे थाली में एक साथ रख दें। सारे पेड़े जब बन जाए आप उसे कॉर्नफ्लोर से एक बार कवर कर दें। थोड़ा सा आप 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर ले लें और इससे अच्छे से कवर कर लें ताकि जब हम इसे फ्राई करेंगे ये तेल में ये टूटेंगे नहीं। कोफ्ते को हम पहले डीप फ्राई करेंगे, उसके लिए आप कढ़ाई में तेल ले लें और गैस को मीडियम फ्लेम में रखें। जब तेल गर्म हो जाए आप उसमें एक एक करके सारे कोफ्ते डाल दें। याद रखिएगा कि कोफ्ते डालने के साथ ही आप इसे बिल्कुल भी मत पलटिएगा, नहीं तो सारे कोफ्ते टूट जाएंगे। और 2 मिनट तलने के बाद ही ये देखिए, पहले बबल्स बहुत ज्यादा थे, अब बबल्स कम हो गए हैं और जो कोफ्ता है वो हल्का होकर अपने आप ये ऊपर की तरफ आ जाते हैं। बस आप इसी वक्त इसे दूसरे साइड से भी पलट लीजिएगा। ये देखिए, एक साइड से ये गोल्डन ब्राउन हो गया है। हमें इसी तरीके से सारी तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक सारे कोफ्तों को तलना है, जब तक ये अच्छा सुनहरे कलर का ना हो जाए। और ये देखिए, कोफ्ते अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, अच्छे से इसमें ब्राउन कलर आ गया है। इसे आप निकाल कर एक टिश्यू पेपर में रख दें ताकि इसमें जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। और अब हम इसके लिए एक बनाते हैं बहुत ही अच्छी सी ग्रेवी। ग्रेवी के लिए लिया है मैंने 2 प्याज, 1 हरी मिर्च, 1 इंच टुकड़ा अदरक का, 2 से 3 लहसुन की कलियां, 3 टमाटर और 7 से 8 काजू जो मैंने पानी में भिगा के रखे हैं। सूखे मसाले में लिया है मैंने 2 तेज पत्ता, 2 इंच टुकड़ा दालचीनी का, 1 बड़ी इलायची, 1/2 चम्मच शाहजीरा, 3 लौंग, 3 छोटी इलायची और 4 काली मिर्च। कढ़ाई को आप मीडियम फ्लेम में रखें और जिस तेल में हमने कोफ्ता फ्राई किया था उसी में से आप 2 चम्मच तेल इसमें डाल दें और 1 चम्मच आप बटर का डाल दें। बटर यहाँ डालना ऑप्शनल है, पर बटर से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा क्रीमी आता है। और सारे मसाले जो हैं सूखे मसाले वो आप डाल दें यहाँ पर। अगर आपके पास शाह जीरा नहीं है तो आप नॉर्मल जो जीरा हम यूज करते हैं सब्जी में वो भी आप इसमें डाल सकते हैं।
जब सारे सूखे मसाले फ्राई हो जाएं अच्छे से, उसके बाद आप प्याज को काट के इसमें डाल दें। इसमें हम मसाले को बहुत ज़्यादा पकाएंगे नहीं, बस इसे हमें थोड़ा सा रोस्ट करना है। तो आप प्याज जैसे भी रफली चॉप करके डाल सकते हैं इसमें। प्याज 2 मिनट पकाने के बाद ये देखिए अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। तब आप इसमें अदरक लहसुन और हरी मिर्च डाल दें। बस आपको इसे बस थोड़ा सा ही पकाना है, जब तक इसमें से अदरक लहसुन का कच्चापन ना चला जाए। और बस उसके बाद आप डाल दें जो 3 टमाटर थे वो रफली चॉप करके इसमें डाल दें। और यहाँ हमें टमाटर को तब तक पकाना है जब तक इस अच्छे से नरम ना हो जाए। तो इसे अच्छे से जल्दी पकाने के लिए आप इसमें नमक डाल दें अपने स्वाद के अनुसार। तो ग्रेवी में आपको जितना नमक चाहिए आप उसे यहाँ पर ही डाल दें। और फिर आप इसमें भीगे हुए काजू डाल दें। काजू को इसलिए भिगा के रखे थे क्योंकि इसको जब बाद में हम ग्राइंडर से ग्राइंड करेंगे तो वो अच्छे से ये जो मसाले के साथ पीस जाए। और फिर इसमें आप डाल दें 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आप कम ज़्यादा अपने स्वाद के अनुसार कर सकते हैं, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच धनिया पाउडर। इसके साथ ही मैंने इसमें डाला है 1/4 चम्मच गरम मसाला पाउडर। और बस आप सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दें। और ये देखिए जो टमाटर है वो अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। और अब इसे आप ठंडा कर लें। पीसने के पहले याद करके आप इसमें से जो तेज पत्ता है वो निकाल दें, क्योंकि उसके रेशे रह जाते हैं मसाले में जो टेस्ट में बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। और इसका एक बहुत ही अच्छा स्मूथ पेस्ट बना लें और उस पेस्ट को आप अच्छे से छन्नी की सहायता से छान लें। और ये देखिए इसका एक अच्छा सा क्रीमी पेस्ट तैयार हो चुका है। सेम कढ़ाई को आप मीडियम फ्लेम में रखें और उसमें पीसा हुआ ग्रेवी डाल दें। मैंने यहाँ इसको ढक्कन से कवर किया है ताकि जो इसका तेल है वो कैमरे में ना आए। और बस ये देखिए ग्रेवी को हमें तब तक पकाना है जब तक इसमें से तेल अलग ना हो जाए। पहले ही हमारा मसाला आधा पक चुका है तो ये पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और आप इसे ढक दें और ढककर इसे पकने दें। इसको पकने में आपको 5 मिनट ही लगेगा। और ये देखिए जो तेल है वो ऊपर आ गया है, मसाला जो है वो अच्छे से फ्राई हो चुका है। और बस इस वक्त आप इसमें 1 चम्मच कसूरी मेथी डाल दें। कसूरी मेथी से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और इसके साथ ही आप इसमें डाल दें 2 बड़ा चम्मच मलाई या क्रीम आपके पास अगर रेडीमेड हो तो। और मलाई डालते ही देखिए इसका कलर कितना अच्छे से आता है। अगर आपको इसकी ग्रेवी रेड कलर की चाहिए तो आप पहले तेल में 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डालें और उसके बाद ये पिसी हुई ग्रेवी डालें तो ये ग्रेवी का कलर रेड आ जाएगा। और इसे 5 मिनट तक पकने दें। और ये देखिए जो ग्रेवी है वो बिल्कुल अच्छे से रेडी हो चुकी है। और मलाई कोफ्ते के ऊपर आप सारी ग्रेवी अच्छे से डाल दें। याद रखिएगा कि जो कोफ्ते हैं उसको आप ग्रेवी में मत डालिएगा, नहीं तो कोफ्ते टूटने लग जाएंगे क्योंकि ये काफ़ी ही सॉफ्ट होते हैं। तो इसलिए आप जो भी सर्विंग बाउल है उसमें आप पहले कोफ्ता रखें और उसके ऊपर गर्मा गर्म ग्रेवी डालें और इसे रोटी या चावल के साथ परोसें। तो मलाई कोफ्ते की ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट और लाइक करके मुझे ज़रूर बताएं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।